भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, अच्छी दिशा देने वाला, इंसानियत के गुर सिखाने वाला, अच्छा इंसान बनाने वाला, अच्छा समाज बनाने वाला, अच्छा विश्व बनाने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषय आपको परोसते हैं और विषय भी वैसे जिससे हमारा जीवन का निर्माण होता है। हर वर्ग के बच्चा, बूढ़ा, युवक, युवती, महिला, हर व्यक्ति के जीवन का निर्माण होने वाले टिप्स कार्यक्रम के अंदर दिए जाते हैं। तो आज का हमारा एक बहुत दार्शनिक विषय है, बहुत गूढ़ विषय है, बहुत गहन विषय है। कई बार विषय बहुत सरल रखे जाते हैं और कई बार गहन और गूढ़ विषय रखे जाते हैं, क्योंकि समाज में सभी तरह के लोग होते हैं। कुछ गूढ़ सुनना चाहते हैं, कुछ सरल सुनना चाहते हैं। तो आज का हमारा दार्शनिक विषय है वस्तु की अनेक धर्मात्मकता। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारे भारतीय आगमों में कहा गया है कि वस्तु मात्र अनेक धर्मात्मक है। यानी कोई भी वस्तु, रेत का एक कण भी लीजिए, भवन लीजिए, कोई भी वस्तु लीजिए, हर वस्तु के अंदर अनेक धर्म यानी अनेक गुण, वस्तु सहाओ धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। तो वस्तु के अंदर बहुत से धर्म, बहुत से गुण एक साथ रहते हैं। गुण भी होते हैं और अवगुण भी होते हैं, विरोधी बहुत सी चीजें एक वस्तु के अंदर एक साथ रहती है, जभी उस वस्तु की जो है अस्तित्व है। अगर वस्तु के अंदर एक ही गुण हो तो उस वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। ये एक दार्शनिक बात है और ये एक वैज्ञानिक बात भी है। मैं दोनों एंगल से आपको बताना चाहूँगा। मान लीजिए कि हमारे पुद्गल है, जैसे रेत के परमाणु हैं, उसके अंदर वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है और स्पर्श होता है। जो भी भौतिक चीज़ है, चाहे ये मेरा शरीर है, वो भौतिक बना हुआ है और इसके अंदर जो बोल रहा हूँ वो बुलाने वाली चेतना अलग है। चेतना, सारा संसार, सारी सृष्टि जड़ और चेतन दो तत्वों से मिला है। जो जड़ तत्व होता है वो पुद्गल कहलाता है, वह वस्तु कहलाती है। उस वस्तु में वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है और स्पर्श होता है। और वर्ण के अंदर, वर्ण को कहते हैं रंग। रंग पांच तरह के होते हैं, काला, पीला, नीला, सफ़ेद और बैंगनी। अब ये इसमें से अगर जैसे भौंरा है, भौंरा काला हमको दिखाई देता है तो वो तो एक उस भौंरे का मेन कलर, डोमिनेटिंग कलर हमको दिखाई देता है, लेकिन चार कलर, भौंरा वस्तु है और भौंरे के शरीर के अंदर चार कलर साइलेंट है और ब्लैक कलर जो है वो डोमिनेटिंग है। हर वस्तु के अंदर पांच जो मुख्य कलर है, इसके कॉम्बिनेशंस बहुत होते हो सकते हैं। आजकल हमारे इस कॉम्बिनेशन को, प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन का युग है, विज्ञान का युग है, कई कलरों को मिला कल, लेकिन बेसिक जो कलर्स है ये पांच है। तो इसमें से चार साइलेंट रहते हैं, गंध, सुगंध और दुर्गंध। एक ही वस्तु के अंदर सुगंध भी है और दुर्गंध भी है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि गटर का जो पानी होता है उसको सूंघा जाए तो बड़ी दुर्गंध मारता है। उस गटर के पानी को छान करके शीशी में रखा है और गांधी जी को वो दी शीशी, तो गांधी जी उसमें बड़ी अच्छी फ्लेवर का जो है, फ्लेवर का उसमें इत्र डाल करके और उसको सेंट बना देते हैं, सुगंधित होता बना देते हैं। देखिए, वस्तु वही है लेकिन उसके अंदर सुगंध और दुर्गंधी है, वर्ण, गंध और रस। रस के अंदर पांच तरह के होते हैं, अम्ल रस, मधुर रस, तिक्त रस, कटु रस और कषाय रस। ये पांचों में से कोई एक डोमिनेटिंग होता है लेकिन चार जो है साइलेंट होते हैं। जैसे कोई वस्तु मीठी है तो आम मीठा होता है, लेकिन जो कैरी को, कैरी, कैरी से आम बनता है तो वो खट्टा होता है। और इस तरीके से वो चारों, वो चीज़ जो है वो डोमिनेशन वाली जो चीज़ आगे आती है और बाकी चीज़ें पीछे रहती। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि विरोधी धर्म उसी वस्तु के अंदर एक साथ रहते हैं, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। स्पर्श देखिए कि आठ होते हैं, लघु,
गुरु, मृदु, कर्कस, स्निग्ध, रुक्ष और उष्ण, और शीत और उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, ये आठ होते हैं। एक ही वस्तु के अंदर सर्दी होती है, गर्मी होती है, मुलायम होता है और भारी होता है, हल्का होता है, इस तरीके से ये आठ गुण एक साथ रहते हैं। तो ये हमारे शास्त्रों में लिखी हुई बात है, ये दार्शनिक बातें हैं, और ये दार्शनिक बातें ये बताती है कि वस्तु अनेक धर्मात्मक है, एक ही धर्म या एक ही गुण के अंदर वस्तु रहती है, वो तो उसका डोमिनेशन है। वह जैसे मेरा शरीर है, तो ये शरीर मेरा शरीर सोनराज का शरीर माना जाएगा, लेकिन इसके अंदर अनंत धर्म हैं, वो मैं आपको कई विज्ञान के एंगल से भी इसको बताना चाहूँगा। अब मैं थोड़ा मेडिकल साइंस का एक उदाहरण देता हूँ, जिससे अनेक धर्मात्मकता आपको क्लियर हो जाएगी कि मेडिकल साइंस की जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वह क्या कहती है कि वेयर देर इज ए सेल देर इज ए लाइफ, विदाउट द सेल देर इज नो लाइफ। लाइफ का सबसे छोटा जो कंपोनेंट है वो सेल है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेंटर पॉइंट, और सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, और सेंटर के न्यूक्लियस के अंदर जीन्स होते हैं, जीन्स में आरएनए होता है, डीएनए होता है, और जीन्स डोमिनेशन होते हैं, जीन्स जो है हमारी प्रकृति को बनाते हैं। तो उसके अंदर मनुष्य के हर प्राणी की अलग अलग जो शरीर के अंदर कोशिकाओं की संख्या अलग अलग होती है, और कोशिका जन्म से उस जीव के जन्म से वो कोशिकाएं जन्म लेती है, मरती रहती है, मल्टीप्लिकेशन होता है। पहले जब माँ का जो है अंडज और पिता का शुक्र दोनों मिलते हैं, तो दोनों आत्माएं ये समाप्त होकर के तीसरी आत्मा बच्चे के रूप में जन्म लेती है। तो जन्म लेते ही वो है, वो कोशिकाएं बनती है, एक दो दो, फिर मल्टीप्लाई चार, चार से सोलह, सोलह से जो है वो सोलह इंटू सोलह, इस तरीके से मल्टीप्लाई होती है, और इन कोशिकाओं का जन्मना और मरना ही लाइफ कहलाता है। अगर कोशिकाएं ना तो बने ना समाप्त हो तो लाइफ होती नहीं, ऐसी जेनेटिक इंजीनियरिंग करती। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या कहती है कि मनुष्य के शरीर में 60 खरब 60 ट्रिलियंस कोशिकाएं रहती है, और वो कोशिकाएं 60 खरब होने से मनुष्य का ये शरीर चलता है, जिसको होमोस्टेटिक कंडीशन जो है वो मेडिकल साइंस कहती है। और ये हर एक अपना अपना कार्य करती है, जो है वो जैसे कि मान लीजिए सोचने का काम होता है, अलग शेल्स करती है, ये हाथ की अलग शेल्स होती है, पैर की अलग शेल्स होती है, और सुगंध की अलग शेल्स होती है, हर एक के अपने जो पांच इंद्रियां हैं इनकी हर एक की अपनी अपनी शेल्स होती है। और इनकी शेल्स की क्या विशेषता, देखिए मैं आपको उदाहरण से बताना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके घुटने के अंदर पेन है, और आपने कोई पेन किलर लिया, हर सेल की एक मुंह होता है जिसको रिसेप्टर कहा जाता है। तो जब हम वो जो है वो हमने जो है दवाई ली, हमने गोली ली कोई भी पेन किलर की, तो गोली हमारे मुंह से शरीर के अंदर ब्लड के साथ में घुलती मिलती जाती है, तो 60 खरब कोशिकाओं में से कोई भी रिसेप्टर नहीं खोलेगा कोशिका। लेकिन जिस काम के लिए, जहाँ दर्द है और जिस काम के लिए गोली दी है, जो गोली जो कार्य करने वाली है, उस घुटने के इर्द गिर्द जो है जितनी भी शेल्स हैं वो सब खड़ी रहेगी, अपना मुंह खोल करके, रिसेप्टर खोल करके, और जहाँ पे दर्द है वहाँ पे उसको ग्रहण करके और उस सारी गोली को फैला देगी, और थोड़े समय में, क्योंकि वो पेन किलर है, थोड़े समय में उसको पेन को ठीक कर देगी। ये होमोस्टेटिक कंडीशन है। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कि हमारे शरीर में 60 खरब कोशिकाएं एक साथ रह करके इस शरीर को स्वस्थ रखती है। तो क्या इस सृष्टि के अंदर जो है 7 अरब की जनसंख्या 60 खरब की तुलना में 7 अरब की जनसंख्या मामूली है, तो क्या वो एक साथ नहीं रह सकते? क्या शांतिपूर्ण सहस्थिति से नहीं रख सकते? तो हमें यहाँ से जो ये गुण लेना चाहिए कि हमारे खुद के हरेक के शरीर में है,
तो उस गुण को प्राप्त करके हमें शांतिपूर्ण छह स्थिति के साथ में, शिष्टाचार के साथ में, नैतिकता के साथ, मानवीय गुण के साथ में, इंसानियत के साथ में जो है हमें रहना चाहिए। आतंकवाद नहीं होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा ग्रीड नहीं होनी चाहिए, आपाधापी नहीं होनी चाहिए, देश से देश का तिरस्कार नहीं होना चाहिए, देश से देश की सीमाओं का अपहरण नहीं होना चाहिए, साम्राज्य बढ़ाने की भावना नहीं होनी चाहिए। क्यों? कि जो जिस देश की जो जनता है उसको रहने के लिए हरेक के पास अपने अपनी अच्छी जगह है, तो हम दूसरों के साम्राज्य को, दूसरों की जमीन को हड़पना क्यों चाहें? आज का युग पहले का युग नहीं है राजा महाराजा का। पहले तो राजा महाराजा जमीन के लिए लड़ा करते थे कि फला गांव हमारे पास में आ जावे, फला कस्बा आ जावे, और उसमें अपनी तरक्की मानते हैं। लेकिन आज विज्ञान के युग ने ऐसे जो जखीरा खड़ा कर दिया है, हर देश के पास में ऐसे बड़े बड़े अणु बम, एटम बम है कि 7 अरब की जनसंख्या को समाप्त करने के लिए 7 मिनट भी नहीं लगते हैं, ऐसा जखीरा खड़ा हो चुका है हर देश के पास में है। और अगर तीसरा महायुद्ध ईश्वर करे ना हो हुआ तो हम सबको समाप्त होने में केवल 7 मिनट लगेंगे। जब हम समाप्त हो जाएंगे, हमारे धन और जन की हानि हो जाएगी, तो उसकी कौन देखभाल करेगा? देखभाल तो इंसान करता है। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो फिर ये सृष्टि का कौन मालिक होगा, कौन देख रेख करेगा, और सृष्टि को कौन संतुलन देगा, सृष्टि को कौन चलाएगा? तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं जो बात कर रहा था अनेक धर्मात्मक वस्तु के अंदर है, तो और हमारे भीतर भी ऐसे गुण हैं। देखिए, मैं मनुष्य के बात करता हूँ। मनुष्य में 3 तरह की चेतना होती है। पहला एक पार्श्विक चेतना, मानसिक चेतना की बात करूँ तो 3 स्तर होते हैं। मनुष्य एक एनिमल है, मनुष्य जो है वो एनिमल क्रिएचर है, तो पार्श्विक जो है चेतना उसमें रहती है, तब वो भोग विलास करता है, पशुवत बन जाता है। और जो भेड़िए जो रेप करते हैं, वो देखिए वो उस वक्त जो है वो उस पशुवत की जो उसकी चेतना है उसके अंदर रहते हैं। कोई बेचारी विकलांग 5-7 साल की है, 12-12, 24-24 लोग मिलकर के रेप करते हैं, कितना घृणित कार्य है, तो ऐसा ऐसे कुकृत्य करते हैं, तो पार्श्विक चेतना है। ये मनुष्य में 3 तरह की चेतना है। और दूसरी चेतना होती है मानवीय चेतना। मानवीय चेतना वाला व्यक्ति जो है वो शिष्टाचार करेगा, सबके साथ अच्छा सलूक करेगा, और वो शांति से अपना जीवन यापन करेगा, और जियो और जीने दो की पॉलिसी से चलेगा कि सभी जिए, सबके साथ प्रेम से रहेगा, अपने परिवार के साथ प्रेम से रहेगा, और लोगों के साथ प्रेम से रहेगा, परोपकार करेगा, और अच्छी बात करेगा, अच्छे कार्य करेगा। और तीसरी सेतु होता दैविक, सेलेशियल। जो दैविक चेतना होती है वो प्योरली जो है वो परमार्थ की चेतना है, वो परमार्थ ही करते हैं पूरा जीवन, जिसमें साधु लोग आते हैं। कंचन कामिनी से दूर जो साधु होते हैं, गृह त्यागी होते हैं, वो 24 घंटा तिन्नानम तार्याणम होते हैं, स्वयं तरते हैं, स्वयं ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर का अनुशीलन करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, लोगों के जगत कल्याण की बात करते हैं, और ये सोचते हैं कि समस्त विश्व के लोगों को सुख मिले, शांति मिले, और सबको मोक्ष मिले, ऐसा सोचते हैं, और अच्छी राय भी देते हैं, अच्छी सलाह भी देते हैं कि वास्तव में मनुष्य जीवन का सार कैसे निकाला जाए, उसके बारे में परमार्थ की चेतना के बारे के अंदर वो बताते हैं। तो इस तरीके से 3 चेतना भी होती है, स्वार्थ की चेतना, परार्थ की चेतना, और तीसरी होती है परमार्थ की चेतना। स्वार्थ की चेतना जिस व्यक्ति में होती है वह अपने शरीर तक, 5 इंद्रियों के सुख तक, या अपने परिवार तक ही तक सीमित रहता है। जो धन कमाता है वो सारा अपने परिवार शरीर के सुख के लिए लगाता है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी करता है, और उसकी मानसिकता यहाँ तक की रहती है, मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआ ढहे तो ढहे, वो इसी मानसिकता के साथ रहता है। लेकिन परार्थ की चेतना वाला होता है वो क्या है, परस्पर गरो जीवानाम, कि परस्पर जो है सबके साथ सहयोग किया जाए, सहयोग लिया जाए,
सहयोग दिया जाए, लिव एंड लेट अदर्स लिया जाए, मैं भी सुख से जीऊँ, मेरा पड़ोसी भी सुख से जिए, समाज के सभी लोग सुख से जिए, किसी को कष्ट नहीं हो, किसी को जो है वो सहयोग भी करता है। तीसरा होता है जो है स्वार्थ परार्थ और परमार्थ, परमार्थ की चेतना वाले वो है, वो खुद का कल्याण करते हैं और सारा जीवन दूसरों की कल्याण की भावना में लगाते हैं। तो अनेक धर्मात्मकता की बात चल रही है कि विरोधी होना जरूरी है। अब मैं इस बात को पॉलिटिक्स से जोड़ता हूँ कि हमारे लोकतंत्र के अंदर जो सरकार शासन करती है तो विपक्ष में जो बैठता विपक्ष का होना जरूरी है, और क्योंकि वस्तु में स्वयं में अनेक धर्मात्मकता है, अनेक विरोधी गुण एक साथ रहते हैं, तो हमारा लोकतंत्र भी विकसित कब होगा, अच्छा कब बनेगा, कि उसके अंदर जो है विपक्ष मजबूत होगा। अच्छे लोकतंत्र के अंदर 55-45 का रेशियो होना चाहिए, 58 जो है और उसके बाद के अंदर 42 का होना चाहिए, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। विपक्ष की बात जो है वह विपक्ष कान खींचता रहेगा, सरकार के पक्ष का कान खींचता रहेगा, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। हमारे घर में भी देखिए कि जो अंगुली निर्देश करने वाले गार्जियन होते हैं वो घर अच्छे होते हैं, वो किसी का पक्षपात नहीं करते हैं, वो सत्य की तरफ रहते हैं, और कोई गलत काम करता है हरेक की कान खिंचाई करते हैं। तो ऐसे अंगुली निर्देश के लोग घर के अंदर होने चाहिए, तब घर अच्छा बनता है। समाज में ऐसे लोग होने चाहिए जिनकी बात का वर्चस्व होता है, और जो चरित्रवान हो, सद्गुणों वाले हो, सबका भला सोचने वाले हो, समाज का अच्छा करने वाले हो, उनकी बात का असर पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ भी पक्ष और विपक्ष, विरोध और स्वभाव दोनों चीज़ आ गई, दोनों एक साथ रहते हैं और रहना चाहिए। इसलिए कहा है कि निंदक निहारे राखिए आंगन कुटी सहाय, जो हमारी निंदा करने वाला है उसको हमें नज़दीक रखना चाहिए, जो चापलूसी करता है उससे हमें हमारी सही पोजीशन मालूम नहीं होती कि हमारा कार्य कैसा है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो वो तो मात्र हमारी चापलूसी करता रहता है, लेकिन निंदक करने वाला जो है वो हमारा कर्तव्य है, हमें उसे कर्तव्य नहीं मानना चाहिए। वो हमारी आँख खोलता है और हमें बताता, हमारे अवगुणों को बताता है, जो हमारे अवगुण के बारे में कहता है वो हमारा गुणी है, उसको हमें गुणी समझना चाहिए, वो हमारा हितैषी है, और हितैषी व्यक्ति होगा वही अवगुण बताएगा, चापलूस होगा वो 24 घंटे गुण बताता रहेगा। तो निंदक निहारे राखी और आंगन कुटी सवाए, तो उसको हमें पास रखना, यानी विरोधी सारी बात जो है, वस्तु अनेक धर्मात्मक है तो पक्ष और विपक्ष की बात चल रही है, पक्ष और विपक्ष एक साथ चलते हैं और एक साथ रहते हैं, और हमें अभ्यस्त होना चाहिए दोनों को एक साथ रहने के लिए। इसीलिए इसका जब वस्तु अनेक धर्मात्मक है तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि हमारे जीवन के अंदर अनुकूल प्रतिकूल, लाभ हानि, अच्छाई बुराई, सुख दुख, कोई भी परिस्थिति आवे और वो आएगी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता कि उसको हमेशा सुख मिलता है सिवाय मोक्ष के। मोक्ष के अंदर आत्मा अमूर्त हो जाती है, शरीर नहीं होता है, वो अनंत ब्लिस वाली होती है, उस स्थिति को छोड़ दीजिए, वो हमारा साध्य है, वहाँ तक हमें पहुँचना है, लेकिन हर व्यक्ति अभी तक वहाँ पहुँचा नहीं है। तो जो व्यक्ति अभी तक उस स्थिति के अंदर है उस व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए, और व्यक्ति यह अभ्यास करना चालू कर देता है उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, उसको प्रज्ञा पुरुष कहा जाता है, उसका तीसरा नेत्र जो समता का नेत्र है वो खुल जाता है कि किसी भी परिस्थिति को एक सा मानता है, प्रियता अप्रियता को एक सा मानने वाला व्यक्ति साधु हो जाता है, साधक हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, और अनेक धर्मात्मकता को साथ लेकर के चलता है। इसलिए भाई और बहनों, ये दार्शनिक विषय को किसी भी कोण से आप टच करिए, ये हमको बताता है कि वस्तु का अस्तित्व अनेक धर्मों के साथ रहने से, अनेक गुणों के साथ रहने से उसका अस्तित्व है। तो हमें भी मानना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर अच्छी और बुराई है, उन दोनों का हम सामंजस्य करें और हम बुराई को हावी न होने दें,
हमारा हृदय है वो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र के जैसे कि पांडव और कौरव लड़े थे, तो हमारे हृदय के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर अच्छाई और बुराई हर समय लड़ती रहती है, लेकिन उसमें विजय किसकी होती है? अगर अच्छाई की विजय होती है तो व्यक्ति अच्छा इंसान बन जाता है, अच्छा निर्णय लेता है, और अगर बुराई की विजय होती है तो बुराई की तरफ व्यक्ति चला जाता है, वो जो है वो अवगुणों की तरफ चला जाता है और वैसा कार्य करने लग जाता है। हमारी जो भारतीय संस्कृति का जो मेन दार्शनिक पक्ष है, जो आत्मा और अनात्मा की हम कई बार बात करते हैं, तो ये विरोधी है, और ये विरोधी अनंत अनंत काल से दोनों एक साथ है। तो जैसे मेरा जो शरीर है ये पौद्गलिक है, ये अनात्मा है, मैं बोल रहा हूँ ये आत्मा बोल रही है, जो कुछ भी शरीर हिला रहा है, हाथ हिला रहा है, ये आत्मा की साक्षी से हिलता है। अगर शरीर के अंदर आत्मा जो कि हमारा जो है गुरु है, जो कि हमारा भगवान है, शुद्ध आत्मा भगवान जो भीतर बैठा, शरीर एक मंदिर है और उसके भीतर जो बैठा है वो शुद्ध आत्मा भगवान है, उसी भगवान की साक्षी मान करके जो कुछ मांगना उस भगवान से मांगो, जो कुछ बुराई है उस भगवान को अर्पण करो, और भगवान से शक्ति मांगो कि मैं परोपकार करता रहूं, जगत का कल्याण करता रहूं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रतिदिन कार्यक्रम को बड़ी दिलचस्पी के साथ सुन रहे हो। कार्यक्रम आज टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।